भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मेरठ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जाट जो समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग शामिल हुए थे और जो गन्ने की समस्याएं हैं या जो विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं जाट समाज की उसको लेकर उन्होंने अपने समाज से आह्वान किया है कि वो प्रदेश सरकार पर भरोसा करें, यूपी जो भाजपा सरकार है उस पर भरोसा करें, केंद्र सरकार पर भरोसा करें और जो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी भाजपा को ही वोट देने की अपील की। आप देखना होगा उनकी ये जो अपील है ये क्या कुछ रंग लाती है। सामाजिक कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम में मुझे सम्मानित सभी समाज के लोगों ने आमंत्रित किया है तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आज उनके बीच में आया हूँ। निश्चित रूप से सरकार का संकल्प है, हमें जो लोगों ने जनादेश दिया है प्रदेश की महान जनता ने उसमें हमारा संकल्प है कि हम अपराध से अपराधियों से मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को और सरकार उसी रास्ते आगे बढ़ रही है। सबको मिलेगी जी, जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, गरीबों के अधिकार जिन्होंने छीने हैं, गरीबों अधिकारों पर जिन्होंने डाका डाला, सबके खिलाफ कार्रवाई। राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार के प्रतिनिधि हैं लेकिन उन्हें सबका सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस जो अभी हवा में घूम रही है अब परिस्थिति बदली है और समाज के कमजोर गरीब तबकों के लोग, सामान्य परिवारों से आने वाले लोग भी अब राजनीतिक शिखर पर पहुँच रहे हैं। ये यथार्थ को उन्हें स्वीकारना चाहिए और बार बार जिस प्रकार से देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं या करते रहे हैं उसी का परिणाम है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ प्रेम शंकर जनवाणी, न्यूज़ मेरठ।